पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद से भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का आज दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो काफी समय से बीमार थे। चुनाव से कुछ वक्त पहले भी करीब 1.5 महीने तक एम्स में भर्ती रहे थे। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके सर्वेश सिंह इस बार नॉमिनेशन करने के बाद से चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी खराब तबीयत की वजह से उनके बेटे और बढ़ापुर के विधायक सुशांत सिंह ने प्रचार की कमान संभाल रखी थी। सर्वेश सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह के साथ ही देश भर के बड़े नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके शोक जताया है। राजनाथ सिंह ने लिखा है कि पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े नेता थे और जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी काफी परिश्रम किया। जनता से जुड़े मुद्दों के लिए वे संघर्ष करने में विश्वास रखते थे। ईश्वर शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। उनको रूटीन चेकअप के लिए अपना जो उनका इलाज चल रहा था उसके लिए आज उनको एम्स में जाना था। तो कल रात वो दिल्ली के लिए निकल गए थे और आज सुबह एम्स में एडमिट हुए थे। दोपहर को अचानक जो भी उनका चेकअप्स चल रहे थे, दोपहर को 3 बजे अचानक उनको अटैक आया। उनको ठंड लगी और अटैक आया और उसके बाद लगभग 4:30-5 बजे के बीच में उनका किसी समय उनका निधन हो गया। कल उन्होंने भूत डाला था। जी, कल उन्होंने अपना बूथ पे अपना मतदान का प्रयोग किया था। जी, उसी के बाद तबियत नहीं, नहीं तबियत तो उनको चेकअप के लिए आज जाना ही था उनको। हाँ, कोई ऐसा नहीं तबियत नहीं करा हुआ, तबियत तो उनके चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था वो, और आज उनको जाना ही था क्योंकि इलेक्शन के बाद उनको वैसे ही जाना ही था उनको। किस बीमारी से उनको अटैक आया? हार्ट अटैक आया है। इलाज किस चीज़ का चल रहा था? उनको मुंह में कुछ प्रॉब्लम थी, उनको मतलब उनके जो है ऑपरेशन भी हुआ था मुंह का, तो वो तो अलग है, लेकिन ये जो उनकी वो आया है वो हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।